क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता को मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ जातिगत भेदभाव कर रहे हैं? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में लगातार तंज और जो है भिड़ंत देखी जा रही है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव जो है जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, वहीं देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ इस जनगणना से बहुत दूर हट रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, जिस वीडियो में अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। जाति जनगणना का विषय कोई आज का नहीं है और इनको पीछे मुड़ के देखना चाहिए। एक समय पर जाति जनगणना देश में हुई थी ब्रिटिश के जमाने में 1931, और ये लगातार लोकसभा में जब कभी सेंसस की बात हुई है, देश के अलग अलग दलों ने इस बात को उठाया है और कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और इधर अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे जागरूक लोग समाज के वो आगे आए हैं, उन्होंने कहा कि बिना जाति जनगणना के जो हम जनता को सुविधा, जो पॉलिसी बनाना चाहते हैं, जो योजनाएं जारी करना चाहते हैं, उससे मदद नहीं मिल पाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो कम से कम हर जाति विशेष में ये विश्वास पैदा हो कि उनको भी योजना से जोड़ा गया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कहते थे कि सब योजनाओं का लाभ कोई और ले रहा है, कुछ योजनाएं कुछ लोगों के जा रही हैं, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के उलझाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, सेंसस होने जा रहा है देश में, और अगर वो सेंसस में नहीं करते हैं तो समाजवादी पार्टी ने कहा है जब कभी समाजवादियों को मौका मिलेगा जाति जनगणना होगी। सर, संजय निषाद ने अभी कहा है कि आपको वो सलाह देना चाहते हैं कि राजनीति ना करें, जब उन्होंने इसकी मांग की थी तो आपने गोली चलवाई थी। बहुत समझदार लोग हैं आप, बीजेपी बहुत होशियार पार्टी है। वो किसको आगे कर रही है? अपनी पार्टी के जो जिनको कुछ नहीं दिया। इस पर मुख्यमंत्री क्या कहते हैं और देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। छोट भैया नेताओं से इसका समस्या का समाधान नहीं होगा, ये छोट भैया नेता हैं। आपने कल विधानसभा में आशीष पटेल का और संजय निषाद का जिक्र किया था। देखिए, ये छोटे नेता का कोई हैसियत नहीं है आपके चैनल में हो, शायद आपकी हैसियत क्या है? आप कोई सच्चा सवाल दे दो। अभी पता है गोरखपुर में FIR हुई, निया राठौर पर मुकदमा हो गया। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कौन छोटे नेता क्या बोल रहे हैं, सवाल ये कि सरकार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस पे। तो देखा आपने इस वीडियो को, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव मीडिया के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जातिगत भेदभाव कर रही है। अगर जातिगत जनगणना होगी तो हर एक वर्ग जाति के इंसान को तमाम मुद्दों से जुड़ने का जो है एक माध्यम मिलेगा और साथ में कोई भी तमाम मुद्दों से वंचित नहीं रहेगा, इस तरीके की बात यहाँ पर अखिलेश यादव ने कही है। तो क्या सच में उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना दोस्तों होना चाहिए और अखिलेश यादव की बात से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।